दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कॉटन पैंट की काटिंग करें। कॉटन पैंट किस तरह से काटा जाता है दोस्तों इस वीडियो में देखने को सीखने को आप लोगों को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन पंडित, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैनल में आप लोग नए हैं और मेरे कॉन्टेंट यदि आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो देखने के बाद कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ये कपड़ा है, 1/20 कपड़ा है। कपड़ा को मैंने धो लिए हैं, धोने के बाद इसको सुखा लिए हैं, इसके बाद हम इसको कटिंग करते हैं। चलिए इसके पहले हम नापी चेक कर लेते हैं। नाप दोस्तों 36.5 लंबा है, 31.5 कमर है, 35 हिप है, हाई मैंने सवारी जिसको बोलता है वो 21.5 है, जांग है 21 है और घुटना 16.5 है, मोहरी 13.5 है। कॉटन पैंट बनेगा, क्रॉस पॉकेट बनेगा, पीछे सिंगल पॉकेट। आइए हम कटिंग करते हैं। उल्टा पोजीशन है, ये सीधा है, ये भी सीधा है, कोर तरफ देखिए, कोर मेरे तरफ है, ये ऊपर तरफ होगा। ठीक है, पहले हम इसको डाल देते हैं। दोस्तों देखिए ये कमर है 31.5, ठीक है, ये मैंने सिलाई के लिए इतना बात दिए हैं सिलाई के लिए, और कमर का 4 भाग का 1 भाग, 31.5 का 4 भाग का 1 भाग हो गया आपका, एक सूता कम 8 इंच। ठीक है, ये भी फिर हम लिए हैं सिलाई के लिए, छोड़ना पड़ा। टोटल कितना हो गया यहाँ पर, देखिए 9 इंची। ठीक है, 9 इंची, तो यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा 1/2 इंच ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, यहाँ ज़्यादा ले लिए और जांग के लिए 1.5 इंची और ऐसा लिए। ठीक है, अब क्या किए हैं, इसका जो सवारी है हाई जिसको बोलते हैं वो कितना है, 21 इंची, तो यहाँ से कमर पट्टी 1.5 इंची हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 1.5 इंची छोड़ दिए, तो यहाँ से ये कमर पट्टी सिलाई होगा, तो यहाँ से मेरा टोटल यह कितना हुआ, देखिए इसको टोटल हम राउंड करते हैं तो कितना हुआ, 9.5 9 10, तो 9.5 इधर हो गया और पीछे पल्ला मेकअप होगा कुछ। और देखिए अब जांग है कितना है, जांग है 21 है, 21 हम यहाँ से 3 इंची नीचे से हम नापी लेते हैं। ठीक है, 3 इंची 3.5 इंची नीचे से हम नापी लेते हैं, तो यह कितना है, 21 का 1 इंची मेकअप होगा, तो 20 का आधा कितना हो गया, 10 में हमने दाग दे दिए। ये क्या है, ये जो है टोटल जांग का कितना है, 11 है, 11 का आधा हो गया 5.5, तो ये मिडिल का दाग है, ये पूरा मिडिल का दाग है, ये मिडिल का है, ये 5.5 जो है ना, देखिए यहाँ से जितना जांग है यहाँ लिए, ये जगह है उस जगह का मिडिल हुआ यहाँ, तो वही चीज़ टोटल पूरा फंक्शन में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 5.5 है, तो यहाँ पर भी हर जगह में 5.5 ले लिए। ठीक है, ये हो गया मिडिल क्रीज का। ठीक है, आप जांग मिला ये ले लिए, घुटना जैसे है 1.5, मोहरी है 13.5, मोहरी 13.5 है, तो 13.5 का आधा जितना होगा उतना ही लेना पड़ेगा, 1.5 इंची इधर पीछे तरफ पीछे पल्ला ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो 13.5 का आधा हो गया कितना, 7.5 हो गया, 7.5। ठीक है, 7.5 का दाग दिए, अब इस सबको स्केल से मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से स्केल के माध्यम से ये सब निशाना को मैंने दागी लगा दिया ताकि क्या होगा, और ये हमने लिए है 1.5 इंची ज़्यादा। ठीक है, ये इसका सिलाई मशीन सिलाई होगा। ठीक, इसी तरह से इधर भी हम इस तरह से मिला लेते हैं। ठीक है, सामना पोजीशन पल्ला मैंने काट लिया, अब पीछे पल्ला देखिए, पैन को और इधर इस तरह से घुमा लिए। ठीक है, ये घूम गया, अब देखिए, ठीक, अब इसको इधर से देखिए, ये है, इसमें कमर पट्टी बनेगा, अब इसको ठीक से हम बिठाते हैं। पट्टी तरफ क्या किए हैं, ये मैंने सिलाई के लिए इतना छोड़े। ठीक है, छोड़ने के बाद 1 इंच लिए हैं हम टेकिन के लिए, यहाँ जो पीछे टेकिन बढ़ता है, और कमर का 4 भाग का 1 भाग यहाँ पर भी ले लिए। ठीक है, 1 सूता कम 8 इंची, और ये लिए हैं मैंने 2 इंची एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, हीप है जैसे 35 है, तो 35 का आधा यहाँ पर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो 8.5 हुआ, यहाँ फिर फीता को मोड़ देते, मोड़ने के बाद कितना हो रहा है, ये 17.5 और एक सूता ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 35.5 हीप हो रहा है। ठीक, तो ये इस तरह से लिए, लेने के बाद इसको अब स्केयर यहाँ पर ये मिला देते हैं। ठीक है, ये निशाना इस तरह से हम मिला देते हैं, मिला दिए। अब हमारा जांग कितना है, देखिए जांग है जैसे मेरा 21 इंच जांग है। ठीक है, यहाँ से मेरा नाप लिया है मैंने 21 इंच, इस तरह से मोड़ करके, ठीक है, इस तरह देखिए, इस तरह से मोड़ करके 21 इंची पर हमने निशाना लगा दिए, 21 इंची में निशाना लगा दिए, और ये एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, उसी तरह हम 1.5 इंची ज़्यादा लिए। ठीक है, 1.5 इंची ज़्यादा लेते हैं, बाकी ये जो आधा, अब ये निशाना को हमको मिला देना है स्केल के माध्यम से, ये निशाना मेरा मिला देते हैं, ये निशाना मिला देंगे और काटिंग कर देंगे बस। तो ये मेरा देखिए सवारी, ये पाला पोजीशन की तरह था, 9.75 मेरा था। ठीक है, 9.5 10 था, और इधर से पीछे पाला देखिए, यहाँ से कमर पट्टी हम छोड़ दिए, ये कमर पट्टी के लिए छोड़ दिए। अब यहाँ से हम इस तरह से फीता को बिठा करके चेक कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा कितना आ रहा है,
ये आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, 10 21 मैंने 21 हो गया, ठीक है। देखिए पूरा मैचिंग मेरा मिल गया, 21 साढ़े 21 साढ़े 21 मैंने हिप हो गया। इस तरह से ये मेरा हो गया। अब ये जांग भी मैंने मिला लिया। अब इस तरह से काटिंग कर देंगे, बस ये मेरा हो गया। ये कॉटन पैंट की काटिंग करें, उसको काट देते हैं जांग तरफ। ये भी कपड़ा मैंने फिर भी हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने रख लिए, ठीक है। कभी भी यदि टाइट कर टाइट हो गया तो ढीला ढीली ये कपड़ा मार्किंग हमने और एक्स्ट्रा रख लिया और उसको काट रहे हैं। तो ये मेरा पूरा काटिंग हो गया, कॉटन पैंट की काटिंग काटिंग कंप्लीट हो गया। ये सब जितना कपड़ा है, ये कपड़ा पॉकेटिंग में लगेगा, कमर पट्टी में लगेगा, इतना कपड़ा सबको रखना है। और इसमें आप रिस्क पैंट का जुगाड़ खर्चा कैसे निकालते हैं तो उसका भी मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगा, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। और पैंट काटिंग सिलाई इसका प्लेलिस्ट में भी लिंक है, उस वीडियो में आप लोग जा कर के बहुत सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिला कॉटन पैंट की काटिंग करें। इस डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक, पैंट काटिंग और सिलाई का लिंक दिए हुए हैं। उस लिंक में जैसे ही क्लिक कीजिएगा पैंट के बारे में बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहले देखने के लिए। चलिए दूसरा वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।